गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोजन चल रहा था, हमने इसकी कल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी कि हाइड्रोजन क्या होता है, फिर अक्रंस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था, फिर प्रेपरेशन कैसे प्रिपेयर की जाती है हाइड्रोजन उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में क्या है कि जो हाइड्रोजन है शोज द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट नाउन एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट होता है। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं होता, जैसे कि मतलब वाइट कलर का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस में होती है ना, तो गैस का कभी कलर होता है। टेस्टलेस, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। एंड ऑर्डरलेस गैस, ऑर्डर मतलब इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। इट इज़ अ स्प्रिंगली सॉलिबल इन वाटर, एंड वाटर में भी स्प्रिंगली सॉलिबल है। इट कैन नॉट बी ईजिली लिक्विफाइड, इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं जल्दी कन्वर्ट किया जा सकता। इट इज़ ईजिली ऑब्जर्व ऑन मेटल्स, ये ईजिली ऑब्जर्व हो जाता है, जैसे कि प्लैटिनम एंड प्लैटिनम की मेटल्स में। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, आई फील द बैलून विद हाइड्रोजन गैस, मैंने बैलून लिया और हाइड्रोजन गैस उसको भर दिया। एंड रिलीज इट इन ए रूम, एंड उसके एक रूम में छोड़ दिया। कैन यू गैस वट आई ऑब्जर्व, तो क्या देखा आपने? यस, द बैलून फील्ड विद हाइड्रोजन गैस इमिडिएटली राइज टू द सी। वैसे भी जो जो गैस हाइड्रोजन बैलून में क्यों भरी जाती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है क्या लाइटेस्ट हल्की गैस होती है, इसीलिए लाइटर होती है, 20 times लाइटर होती है एयर से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोजन है वेरी रिएक्टिव गैस है। रिएक्टिव मतलब जैसे कि मान लो जैसे हम कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ज़्यादा अलग डेंजरस है, वैसे ही हाइड्रोजन का भी ऐसा ही नेचर है, बहुत रिएक्टिव गैस है। इट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स जो डिस्क्राइब की गई हैं रिएक्शन विद एयर। एयर क्या होता है? एयर के में एयर हवा, हवा में क्या प्रेजेंट होता है हमें पता ही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। रिएक्शन विद एयर, अगर हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, या एयर भी बोल सकते हो, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर फॉर्म मिलेगी। रिएक्शन विद लिटमस, लिटमस एक सोल्यूशन होता है, पेपर भी होता है एक लिटमस, कि जब हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं ना ही तो हमें रेड कलर देता है ना ही हमें ब्लू कलर देता है। इसका मतलब क्या है कि शोज ओनली कलर चेंज विद द हाइड्रोजन गैस, दिस इज बिकॉज हाइड्रोजन इज ए न्यूट्रल गैस। इसका कोई भी कलर नहीं आया ना ही ब्लू सोल्यूशन से, लिटमस पेपर से, ना ही इसका कोई रेड कलर ना ही ब्लू आया। इसका मतलब ये क्या हुआ? न्यूट्रल है, ना ही एसिड और ना ही बेस है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, जब हाइड्रोजन की क्लोरीन से रिएक्शन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलती है। इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, जब हम इक्वल हाइड्रोजन एंड इक्वल क्लोरीन, जैसे ये भी 2 molecules ले हैं, ये भी 2 ले हैं, इसको हम एक्सपोज मतलब रख देते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो अबव रिएक्शन बिकम एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है? फटने का नेचर होता है, ठीक है, किसकी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं सन से करवानी चाहिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन गैस, जब हम हाइड्रोजन की नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो कि रिएक्शन की स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं। और इस साइन का क्या मतलब कि ये रिएक्शन है इसमें भी चेंज हो सकती है एंड इसमें भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको हम हैबर बॉश प्रोसेस भी बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बट इज हैबर प्रोसेस जहाँ बोल सकते हैं, ये रिएक्शन देकर बोल सकते हैं इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। रिएक्शन विद सल्फर, जब हम हाइड्रोजन की सल्फर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है, और इसकी गैस की जो स्मेल होती है रोटन एग्स, जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं, ऐसी स्मेल होती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन। एक्सेलरेट मतलब इनक्रीज, मतलब कि बढ़ा देते हैं रिएक्शन की स्पीड को। हाइड्रोजन इज बबल थोड मोल्टन सल्फर, तो ये आप रिएक्शन कर लेना है। रिएक्शन विद कार्बन, जब इसकी कार्बन से रिएक्शन की जाती है तो मिथेन गैस बनती है। फिर इसकी अलग अलग रिएक्शन बताई गई हैं कि जब सोडियम से रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, लिथियम के साथ, कैल्शियम के साथ, ठीक है, ये अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल करनी है। रिएक्शन विद मेटैलिक ऑक्साइड, मेटैलिक मतलब मेटल से बने हुए, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से, जब हाइड्रोजन की मेटैलिक ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो ऐसे कॉपर
एंड वाटर की वाटर है जो बाहर निकल जाते हैं। इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव द ऑक्सीजन, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को क्या रिमूव कर रहा है, बाहर जा रही है ना, तो इसमें कौन सा प्रोसेस है, सिंस द हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बाहर निकाल रही है, इसका मतलब कौन सा काम है इसका, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। ये वाला अपने क्वेश्चन देखने हैं, कैन हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑल द मेटेलिक सेड, नो ये रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि जो कॉपर है वो लेस एक्टिव है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जब कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन तो सैचुरेट कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल है उसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल घी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो हाइड्रोजन है इसकी किस किस में यूज़ होती है, हाइड्रोजन इससे एक मिट्टी के लिए वेरी यूजफुल गैस, बहुत ज़्यादा यूजफुल गैस है, इसको यूज़ किया जाता है मैनुफैक्चर अमोनिया गैस, मैनुफैक्चर का मतलब बनाने के लिए, अमोनिया गैस बनाने के लिए, फर्टिलाइजर नाइट्रिक एसिड में यूज़ किया जाता है, सॉलिड वेजिटेबल घी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन इज यूज फॉर मैनुफैक्चर वेरियस केमिकल लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इन फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ब्रेकिंग क्रूड ऑयल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन वो होती हैं जिनमें हाइड्रोजन ऐड होती हैं, एंड रिडॉक्स रिएक्शन वो होती हैं जिनमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो। ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।